अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाक जॉब पोर्टल। माय नेम इज़ रेहान अली सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो जॉब लेकर आया हूँ, यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का मकसद यह है कि डेली बेस पर जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उनसे आप अपडेटेड रहेंगे। एप्लीकेशन आर इन्वाइट फ्राम पाकिस्तानी नेशनल टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान से जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह से बंदा अप्लाई कर सकता है। टेम्प्रेरी बेसिस जॉब है, लाइक टू बिकम अ परमानेंट, बाद में ये परमानेंट कर दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च अगेंस्ट द प्रोविजनल रीजनल और अदर कोटा, यानी कि सूबाई कोटा है और जो है वो रीजनल कोटा भी इसमें शामिल है। नंबर वन पे वैकेंसी असिस्टेंट 15 की 4 वैकेंसी हैं टोटल। पंजाब मेरिट से 2 अप्लाई करेंगे, सिंध रूलर और केटीके से 1-1 अप्लाई करेंगे। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने आईटी ट्रेनिंग कोर्स किया करवाया जाएगा। 18 से 33 साल उम्र की हद है, एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है। नंबर दो पे स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, 14 स्केल है, वैकेंसी की तादाद 14 है। पंजाब की 6 हो गई, मेरिट पर वोमेन 1 अप्लाई करेंगी, नॉन मुस्लिम 1, सिंध रूलर से अप्लाई करेंगे 2, सिंध अर्बन से 1 अप्लाई करेंगे, केपीके से 1, एक्सफाटा से 1, 14 बंदे टोटल इसमें अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट शॉर्ट एंड 40-80 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेटेड होना चाहिए, 18 से 30 साल उम्र की हद है। यूडीसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद 1 है, सिंध रूलर से अप्लाई करेगा 1 बंदा, सिंध रूलर से अप्लाई कर सकते हैं 1 बंदा। इंटरमीडिएट तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर लिटरेटेड हो, 18 से 30 साल उम्र की हद हो। नंबर 4 पर एलडीसी की वैकेंसी है, एलडीसी का बीपीएस 9 है, वैकेंसी की तादाद 6 है, मेरिट पे 1 अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब मेरिट वोमेन 1 अप्लाई करेंगी, सिंध रूलर से 1 अप्लाई कर सकते हैं, केपीके से 1, बलूचिस्तान से 1, टोटल 6 लोग अप्लाई करेंगे। मैट्रिक एसएससी मैट्रिक साइंस में होना चाहिए आपका और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस कंप्यूटर लिटरेटेड, 18 से 30 साल उम्र की हद है। नंबर 5 पर उर्दू टाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसका 9 स्केल है, वैकेंसी की तादाद 1 है, सिर्फ पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम उर्दू टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट ऑफ पासिंग मेजॉरिटी 3 वीक, 3 हफ्ते का कोर्स करवाया जाएगा अपॉइंटमेंट के बाद। 18 से 30 साल उम्र की हद है। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन इसके अंदर शामिल की गई है, इसके मजीद इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो कि सिंध रूलर से एरिया से हैं उनको 3 साल दी जाएगी, जो आर्मी के रिटायर्ड बंदे हैं उनको 15 साल एज रिलैक्सेशन मजीद जो इसके अलावा दी जाएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 2 साल सर्विस पूरी कर चुके हैं उनको 10 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, और जो है वो इसके अलावा डिसेबल पर्सन जो हैं उनको 10 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो शहीद हो चुके हैं डिजीज कोटा पे, 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। द 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है जो कि ऑलरेडी इसके अंदर शामिल की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, ठीक है, मजीद इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, बाकी नीचे वाली पॉलिसी अलग है। द एज लिमिट शल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट तक एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। द रिक्वायरमेंट विल बी अंडर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है ये अपॉइंटमेंट की जाएगी। रीजनल प्रोविजनल कोटा है, इसमें अप्लाई किस तरह करना है, नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए आपने अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 14 नवंबर 2022, ठीक है दोस्तों, कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे। तो ये थी हमारी एडवर्टाइजमेंट की वीडियो, चलते हैं नेशनल जॉब पोर्टल की तरफ। दोस्तों, ये हम नेशनल जॉब पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, देखते हैं ये वैकेंसी, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, स्टार्ट हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ठीक है। स्टाफ रिक्वायर्ड 14 नवंबर 2022, 4 वैकेंसी हैं, एज लिमिट 33 साल है, इसमें सब कुछ आ रहा है, स्टेनोटाइपिस्ट आ रहा है, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, तमाम तरह वैकेंसीज आ रही हैं। आपने जो है वो सबसे पहले अपना नेशनल जॉब पोर्टल में अगर न्यू है तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अगर ऑलरेडी अकाउंट बना है तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जस्ट आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जिन दोस्तों का अकाउंट नहीं बना हुआ वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है मुकम्मल डिटेल के साथ, जिसमें बआसानी अकाउंट बनाने का तरीका बताया है। आप पहले वो वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद लॉगिन कर लें, लॉगिन के बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका लॉगिन हुआ होगा आपने चेक पे क्लिक करना है, चेक पे क्लिक करने के बाद जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप बआसानी एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन अप्लाई भी कर लें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च के हवाले से जॉब्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।